रायबरेली में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने हमला बोल दिया। गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने कुत्ते के मालिक की पुलिस में शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस से जांच में जुटी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू राणा नगर मोहल्ले का है, जहां नीरज मिश्रा की 5 वर्षीय बेटी अनादि मिश्रा घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले कन्हैया लाल मौर्य के पालतू कुत्ते ने मासूम बच्ची पर हमला बोल दिया, जिससे बच्ची लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। बच्ची की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने दौड़कर मासूम बच्ची की जान बचाई और उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्ची के पिता नीरज मिश्रा ने शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मेरी बेटी घर के बाहर खेल रही थी, पड़ोस के जो है कन्हैयालाल मौर्य जी का कुत्ता आया है और उसको जो है काट दिया। तो इसकी सूचना पुलिस को दिया? पुलिस ने जो है डायल 112 को मैंने बुलाया है, लेकिन उनसे बात नहीं करके मैं तुरंत जो है बच्चे को लेकर जिला अस्पताल। डॉक्टर एस के सिंह, EMO, जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक कुत्ता काटने का मामला है, क्या है? अदिति मिश्रा नाम की लड़की आई थी, जिसके पिताजी का नाम है नीरज मिश्रा। ये राणा नगर की रहने वाली है, करीब इसकी उम्र है 5.5 साल की। इसको अभी आई अपने पेरेंट्स के साथ, इसको दाहिने पैर में थाई में इसको कुत्ता काट लिया है, जबकि बहुत गाँव करीब 4 सेंटीमीटर रास्ता हुआ है। बाकी इसको फर्स्ट एड करके TTT लगा के इसको फर्स्ट एड कर दिया गया, बाकी कल लगेगा इसको इंजेक्शन। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।